students of class 4. In my previous video, I have taught you or solved some questions. Today, I am going to solve the next question, which is given on page number 8. Okay? So, let's start. Question number 3 is given. Write the place and place value of each digit in the following numbers in the blank box. यानी यहाँ पे जो है नंबर दिए गए हैं और ब्लैंक स्पेस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जिसके ऊपर भी ब्लैंक स्पेस है और यहाँ पे भी जो है ब्लैंक स्पेस दिया गया है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, प्लेस लिखना है, यानी ये जो नंबर है वो किस प्लेस पे जो है मौजूद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो क्या लिखना है, हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। तो जान लीजिए कि जो प्लेस होता है ये हमेशा जो नंबर्स होते हैं जो डिजिट्स होते हैं उसके ऊपर लिखा जाता है और जो प्लेस वैल्यू होता है वो एरो के साथ जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम प्लेस लिखेंगे, तो ये वन जो है किस प्लेस पे है, ये वन प्लेस पे है। टू जो है किस प्लेस पे है, ये टेन प्लेस पे है। थ्री जो किस प्लेस पे है, वो हंड्रेड प्लेस पे है। और सिक्स जो किस प्लेस पे है, वो थाउजेंड प्लेस पे है, ठीक है। तो अब प्लेस वैल्यू निकालना है, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, जिस प्लेस पे वो नंबर होगा उसमें हम उस नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही वैल्यू का क्या होता है, प्लेस वैल्यू हो जाता है। जैसे वन जो है वन प्लेस पे है, तो हम क्या करेंगे, वन टू वन कर देंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लेस वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। टू जो है टेंथ प्लेस पे है, तो हम क्या करेंगे, टू में टेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, ट्वेंटी हो जाएगा। फिर थ्री है, थ्री हंड्रेड प्लेस पे है, तो थ्री में हम जो है हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, थ्री हंड्रेड, ठीक है। सिक्स है, सिक्स जो है किस प्लेस पे है, थाउजेंड प्लेस पे, तो इसमें हम थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो सिक्स थाउजेंड हो जाएगा। इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है, क्वेश्चन बी। सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू प्लेस और उसके बाद से हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। तो जो प्लेस होगा इसके ऊपर लिखेंगे, नाइन जो है वन प्लेस पे है, जीरो जो है टेन प्लेस पे, एट जो है हंड्रेड प्लेस पे और फोर जो है थाउजेंड प्लेस पे है, क्लियर। अब इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो जो प्लेस होता है उसमें हम जो है उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो नाइन है और नाइन किस प्लेस पे है, वन प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, नाइन, ठीक है। जीरो, जीरो जो है टेन प्लेस पे है, तो जीरो में हम टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो ही होती है। एट है, एट जो है किस प्लेस पे है, हंड्रेड प्लेस पे, तो हम एट में जो है हंड्रेड से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वैल्यू आएगा एट हंड्रेड, तो एट हंड्रेड क्या हो जाएगा, इस एट का क्या प्लेस वैल्यू हो जाएगा। फोर्थ है, फोर है, तो फोर जो है किस प्लेस पे है, थाउजेंड प्लेस पे, तो फोर में हम क्या करेंगे, थाउजेंड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, थाउजेंड हो जाएगा। इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर्स होंगे वो जो है एक्सटेंडेड फॉर्म में दिए गए होंगे, ठीक है, यानी कि उनको विस्तारित करके लिखा गया होगा और उनको एक शॉर्ट फॉर्म में जो है लिखना होगा, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन फोर है, फर्स्ट क्वेश्चन है 5000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1 और यहां पे जो है एक बॉक्स बनाया गया है। तो यहां पे ये किस फॉर्म में है, एक्सटेंडेड फॉर्म में है और इसको हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, 5321, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म, सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज 6000
प्लस 200 प्लस 80 प्लस 9, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, दैट विल बी 6289। क्लियर। नेक्स्ट है सी, दैट इज 7000 प्लस 20 प्लस 6। ओके, तो यहां पे 100 प्लेस वाला कोई नंबर जो है नहीं दिया गया, तो 100 प्लेस वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7000। ठीक है, फिर 0, 100 पे क्या है 0 है, फिर 26, ये इसका क्या हो गया, इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर डी है, दैट इज 8000 प्लस 400 और प्लस 6, तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म में जो है 10 पोजीशन वाला कोई नंबर नहीं दिया है, तो 10 पोजीशन पे जो नंबर आया वो क्या रह जाएगा, 0, यानी कि हम वहां पे 0 डिजिट लिखेंगे। तो 8400 और 06, ठीक है, यानी कि 10 पोजीशन पे 0 और 1 पोजीशन पे क्या है 6, तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगी 8406 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज राइट ऑफ प्रीडेसर्स एंड सक्सेसर ऑफ ईच न्यूरॉन, यानी कि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स दिया गया है उसका हमें प्रीडेसर्स और सक्सेसर लिखना है। तो प्रीडेसर्स क्या होता है पहले समझ लीजिए, प्रीडेसर्स मतलब होता है एक पहले की संख्या। ठीक है, यानी कि अगर जो दिया हुआ नंबर है उसमें से अगर हम 1 सबट्रैक्ट कर दें तो वो हमें क्या मिलता है, प्रीडेसर्स मिलता है। और सक्सेसर्स का मतलब क्या होता है, उस जो दिया हुआ नंबर है उसका एक अगला, यानी कि अगर दिए हुए नंबर में हम 1 ऐड कर दें, जोड़ दें, तो जो हमें नंबर प्राप्त होगा वो क्या होगा, सक्सेसर होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ए है दैट इज 1070। ठीक है, तो इसका प्रीडिक्शन क्या होगा, प्रीडिक्शन, तो प्रीडिक्शन इसमें से 1070 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमें क्या मिलेगा 1069। ये 1070 का क्या हो जाएगा, प्रीडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सक्सेसर, तो सक्सेसर क्या होता है, जो दिया हुआ नंबर है अगर हम उसमें 1 क्या रखें, जोड़ दें। ठीक है, यानी कि प्लस 1, तो ये हमें कितना मिलेगा 1071। तो ये जो है 1070 का क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्रीडेसर और ये अगर हम जोड़ दें तो वो नंबर जो है क्या हो जाएगा, सक्सेसर। इसी तरह और भी क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चन बी, That is given 2799। तो यहाँ पर प्रीडिक्शन क्या हो जाएगा, प्रीडिक्शन 2799 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 2798। ठीक है, नेक्स्ट है सक्सेसर, ये क्या हो जाएगा 2799 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर ये 1 ऐड करेंगे तो 10, फिर 1 10 जाएगा, 7 8 हो जाएगा और 2, यानी कि इसका जो सक्सेसर होगा वो कितना होगा 2800 होगा। क्लियर। सी है सी इज गिवन 3511। क्लियर, तो इसका जो प्रीडिक्शन होगा ये होगा 3511 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 3510। ठीक है, फिर इसका सक्सेसर
ये हो जाएगा 3511+1 और ये कितना हो जाएगा 3512। क्लियर। क्वेश्चन नंबर डी दैट इज गिवन 9909। तो इसका प्रीडिक्शन कितना हो जाएगा, प्रीडिक्शन होगा 8 सबट्रैक्ट कर देंगे 9909 माइनस 1 इक्वल टू 9908। क्लियर। इसका सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर हो जाएगा 9909+1 और ये कितना हो जाएगा 0199। ठीक है, ये इसका जो है क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा। क्लियर। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।